द न्यूज इंडिया की खबर का एक बार फिर असर, गांव में विद्युत सप्लाई शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने TNI को दिया धन्यवाद। आपको बता दें, ढांचा बिकापुर के ग्राम मनादेव पूर्वा, धड़कन पूर्वा, कोईरीन पूर्वा में आजादी के 72 साल के बाद भी लाइट की सुविधा ग्राम वासियों को नहीं मुहैया हुई थी। गांव में बिजली का खंभा और ट्रांसफार्मर, मीटर आदि गाँव में पहुँचा तो था, लेकिन विद्युत की सप्लाई शुरू नहीं की गयी थी। जब TNI ने गाँव के विकास कार्यों का जायजा लेकर इस समस्या को प्रमुखता से चलाया, जब दोबारा टीम उस गांव में पहुंची तो गांव वालों ने TNI को बताया कि आपके द्वारा न्यूज चलाने के बाद 10 से लेकर 15 दिनों के अंदर गांव में विद्युत सप्लाई शुरू कर दी गई है। गांव के ग्रामीणों ने TNI को बार बार धन्यवाद दिया। विजय नारायण सिंह। अच्छा, आपके यहां पे विद्युत जो है सप्लाई चालू कर दी गई है? जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे तीन पुरवा, मानादेव पुरवा, कुमारन पुरवा, होलदार पुरवा, तीनों गाँव में बिजली सुचारू रूप से चल रही है। अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं दादा, ये तो खैर हम लोगों का काम ही है और इसमें आप लोगों का भी सहयोग था, ऐसी बात नहीं थी। और हमने तो आपकी आवाज़ को उठाया, वहाँ तक पहुँचाया है जी। और तो कोई आप तो समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं, विद्युत की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी जी। जी, और हर जगह देखते थे, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का तो बाधित होता ही है जी। और जो है, किसी के यहाँ सौर ऊर्जा है तो किसी के यहाँ मिट्टी तेल से काम चलता है जी। जी, किसी के यहाँ लालटेन से काम चलता है जी। जी, तो विद्युत की सप्लाई जो है सही ढंग से चल रही है जी। सबसे बड़ी समस्या जो है गांव वालों की यही थी जी, कि विद्युत आवे जी तो सबको लाइट मिले, बस एक समस्या पूरी हो गई। इसके लिए कोई जो है, और इसके अलावा कोई और समस्या नहीं है। धन्यवाद। नाम अशोक कुमार यादव है। अच्छा, इस समय हम किस गांव में खड़े हुए हैं? इस गांव में इस टाइम मानादेव पुरवा मौजा घाचा में आप खड़े हुए। आपके चेहरे पे बड़ी खुशी हो रही है, क्या कारण है? एक्चुअली पता क्या सर, इतने दिन बाद हमारे यहाँ लाइट की सुविधा हुई है और आप लोगों की वजह से हमारे यहाँ लाइट आ गई है। आप लोगों ने हमारे गांव वालों के सहयोग से आपने हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाया है, और आज तक इतने दिन हो गए जब से हम पैदा हुए, तब से हमने लाइट का कोई माध्यम ही नहीं सुना था, और जब से आप लोगों ने हमारी आवाज को आगे पहुंचाया है तब से ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ तो 15 या 20 दिन के अंदर हमारे यहाँ लाइट आ गई है। अच्छा, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जो खबर लगी थी उसके कितने दिनों बाद आपके यहाँ लाइट लग गई? 10-15 दिन के अंदर। 10-15 दिन के अंदर मीटर और सारी चीजों की व्यवस्था हो गई है। अच्छा अच्छा जी। दादा, आपका नाम क्या है? छोटे लाल। बताइए। हाँ सर, आपके चैनल पर जो सूचना दिया गया वो आपने उठाया, और 10-15 दिन के बाद बिजली का व्यवस्था हमारे गांव में हो गया है, और नेता विधायक जी के तरफ से सहयोग मिल गया आपके तरफ से कि हमको यह सुविधा मुहैया हुई। आपका नाम? राम सजीवन यादव जी, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं सर, जो हमारे यहाँ बिजली लग गई इसलिए हम बहुत खुश हैं। हमको कोई तकलीफ नहीं है बिजली के लिए। आपको बुलाया गया, आप आए, आप भेज दिए अधिकारी के पास, आप हमारे यहाँ बिजली लग गई। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि हमारे चैनल के माध्यम से जो आपकी आवाज को उठाया गया था कि 70-72 साल गुजर गए थे, 70 साल गुजर गए सर, लेकिन कोई बिजली का नहीं, कोई नाम ही नहीं, निशान था, नाम निशान कोई नहीं था। और जब हमारे चैनल के माध्यम से आवाज उठाई गई है, उठाई गई तो ये आ गई, आ गई 10-15 दिन के अंदर, बस ज्यादा 10 या 15 दिन के बीच में सारा काम हो गया हमारा। जो है आपको जो है जी, मेरी परेशानी थी कि मेरे गांव में लाइट नहीं थी, और आप लोगों ने मेरे गांव में आप लोगों के चैनल द्वारा लाइट आ गई, जो आप लोग ने न्यूज लगाई थी मेरे गांव में उसी के लगभग 10-15 दिन में लाइट आ गई। अच्छा, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो आपकी आवाज उठाई गई थी जी, उससे जो है आप लोगों को लाइट मिल गई जी। और तो कोई समस्या नहीं है जी? नहीं, लाइट की समस्या थी वो भी समाधान हो गई।